आज के दौर में हर देश चाहता है कि उसके पास घातक मिसाइल हो जो लंबी दूरी तक मार कर सके और ज़्यादा तबाही मचा सके। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था तो उसे जापान के एयर स्पेस में एंटर करना पड़ा था, पर आज के समय में किसी देश में एंटर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल एक देश से दूसरे देश में गिराया जा सकता है जो कि लंबी दूरी के लिए बनाई गई है। आज हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे घातक मिसाइलों के बारे में। स्वागत है आपका हमारे वर्ल्ड इशू चैनल पर और बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 10, अग्नि 5। अग्नि 5 मिसाइल भारत की एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया है। अग्नि 5 की अधिकतम रेंज 8,000 किलोमीटर है। यह 50 टन वजनी है और 17 मीटर लंबी है। आने वाले समय में भारत अग्नि 6 का भी टेस्ट कर सकता है जिसकी अधिकतम रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। नंबर 9, फ्रांस। फ्रांस की M51 सबमरीन लॉन्च बैस मिसाइल है जिसकी अधिकतम रेंज 10,000 किलोमीटर तक है। ये 12 मीटर लंबी है और 52 टन वजनी है। इसमें 3-स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन है। नंबर 8 पर है रशिया की RT-2PM2, इसको शॉर्ट में टोपोल एम भी कहते हैं। इसकी मारक क्षमता 11,000 किलोमीटर तक है। ये 23 मीटर लंबी है और 47 टन वजनी है। इसमें 3-स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन है। सोवियत संघ के टूटने के बाद ये रशिया की फर्स्ट मेड इन रशियन मिसाइल है। नंबर 7 पर इज़राइल की जेरिको 3 आती है। इसकी मारक क्षमता 11,500 किलोमीटर है। ये 15 मीटर लंबी है और 30 टन वजनी है। ये भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 2-3 परमाणु एक साथ ले जाने में सक्षम है। हालांकि कुछ देशों का मानना है कि इज़राइल ये सब झूठ बोलता है क्योंकि उसे अपनी ताकत दिखानी है, इसलिए वह बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। नंबर 6 पर रशिया की R-29 RMU-2 या लेनर है। इसकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर तक है। ये 15 मीटर लंबी है और 40 टन वजनी है। ये एक सबमरीन लॉन्च बैस मिसाइल है। नंबर 5 पर UGM-133 Triton-2 है जिसे अमेरिका और यूके ने डेवलप किया है। इसकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर तक है। ये 13 मीटर लंबी है और 59 टन वजनी है। इसे केवल सबमरीन से ही लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 4 पर है होंगसोंग 15 जो कि नॉर्थ कोरियन मिसाइल है। इसकी अधिकतम रेंज 13,000 किलोमीटर तक है। ये 22 मीटर लंबी और 72 टन वजनी है। ये नॉर्थ कोरिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अमेरिका तक पहुंच सकती है और अमेरिका को इस मिसाइल से खतरा है। नंबर 3 पर है अमेरिका की मिनुटमैन 3 या LGM-30G। ये LGM सीरीज़ की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर तक है और ये 18 मीटर लंबी और 36 टन वजनी है। ये एक साथ 3 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। नंबर 2 पर चाइना की डोंगफेंग 41 CSS-X-10 आती है। वैसे तो चाइना की सभी मिसाइलें लंबी दूरी के लिए बनाई जाती है, पर यह सबसे घातक मिसाइल है। इसकी अधिकतम रेंज 15,000 किलोमीटर तक है। ये 21 मीटर लंबी व 80 टन वजनी है। ये एक साथ 10 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है जो कि अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा है। नंबर 1 पर रशिया की R-36M SS-18 Saturn है। इसकी मारक क्षमता 16,000 किलोमीटर तक है। ये 32 मीटर लंबी व 80 टन वजनी है जो कि सभी मिसाइलों में सबसे भारी मिसाइल है। इसे सोवियत संघ के समय में ही बना दिया गया था जब हथियारों की होड़ लगी हुई थी। तो ये थे वर्ल्ड के टॉप 10 घातक मिसाइल।
जिसमें रशिया का बहुत ही दबदबा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।